VSN उर्दू चैनल के न्यूज एट 9 बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। खबर अमरावती के ट्रेवल्स बिजनेस से जुड़ी हुई। अमरावती ट्रेवल्स मल्टीपर्पज सोसाइटी ने दिया सरकार के निषेध में आंदोलन करने का इशारा। अपनी मांगे पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। सार्वजनिक बस वाहतूकदारों ने एक आंदोलन छेड़ा है सरकार की नीतियों के विरोध में। ये कोरोना महामारी के चलते 3 महीने से हमारी जो बसेस है, हमारा जो व्यवसाय है, पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, जिसको वापस खड़ा करने के लिए हम सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग जो है हमारी डिमांड्स है, उसे पूरा करने के लिए हम जो है आने वाले 25 तारीख को अपनी सारी बसेस जहाँ जहाँ पर जिले लेवल पे RTO ऑफिसेस हैं उनके ग्राउंड में पार्क करने की हमारी तैयारी है। क्योंकि हमारे पास में आगे चलाने के लिए ना पैसा है, ना टायर डालने के लिए पैसा है, ना गवर्नमेंट के जो टैक्स है, जो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पैसे दे रखे हैं, वो पैसे हम जो है वापस मांगते हैं कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है बसेस ऑपरेटर के सरकार के पास पड़े हैं और हमारे लॉकडाउन की वजह से धंधा कोलैप्स है, तो सरकार उन पैसों का क्या करेगी? वो पैसा हमको वापस चाहिए। जब गाड़ियाँ चलेगी तब हम अपना पैसा टैक्स भर के जो है तो गाड़ियाँ वापस चलाएंगे। हमारी डिमांड ये है कि महामारी के चलते 3 महीने से जो हमारा व्यवसाय खराब हो चुका है, उसको 1 साल के लिए जो है तो हमारी पूरी बसेस जो है उसके ऊपर टैक्स माफ़ होने चाहिए, टोल टैक्स, उसके बाद में 1 साल का टोल टैक्स माफ़ होनी चाहिए। इंश्योरेंस का जो मसला है वो लॉकडाउन पीरियड में जितने दिन हमारे खराब हुए हैं उसको एक्सटेंशन करके इंश्योरेंस मिलना चाहिए। उसके साथ ही हमारी जो सेवा है, बिजनेस भले ही अलग अलग ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं लेकिन ये पब्लिक पर्पस के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। जो स्टेट में कहीं आने जाने के लिए, धड़न वड़न के लिए, शिक्षा क्षेत्र बोलो, उद्योग बोलो, या फिर नौकरी पेशे वाले लोग जो है हमारी गाड़ियों से अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, और हम कम से कम पूरे राज्य भर में, अगर महाराष्ट्र की बात की तो कम से कम नहीं बोले तो 25 लाख लोग जो है इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज उनके ऊपर में भुखमरी की नौबत आई है और बहुत सारे हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, ऑफिस स्टाफ, मैकेनिक्स, बॉडी बिल्डर्स, ये लोग सब जो है खाली पड़े हैं। तो सरकार जहाँ पर एरोड्रम के ऊपर में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके हफ्ते में 1 या 2 विमान यहाँ से चलाएगी और उसमें 100-200 लोग बैठेंगे, वहाँ हम एक शहर से 10 से 15 हज़ार लोगों को रोज़ अलग अलग शहरों में लेकर जाते हैं और 10-15 हज़ार लोगों को शहर से वापस लाते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पब्लिक के लिए। जैसा कि शिवशाही बस सरकार ने चालू की थी अच्छी आरामदायक बस सेवा के लिए, लेकिन आपने देखा कि उसका हाल क्या हुआ है। और हम 25 साल से अलग अलग शहरों में अपनी सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से टाइमिंग फुल, लोगों की जिंदगियों को बचाते हुए, हमारे पास में जो ड्राइवर स्टाफ है वो पूरी तरीके से चेक करके और उनको अच्छे क्वालिटी वाले जो ड्राइवर है उनको ही हम इस सेवा में काम देते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि शहर के अलग अलग स्थानों पे, जिला लेवल पे सरकार ने हमको ज़मीन प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ से हम पूरी बसेस ऑपरेट कर सकें और वहाँ पर सार्वजनिक बस सेवा के नाम पर पब्लिक को भी पूरी सुविधा मिले। वहाँ पे पानी, बैठने का इंतज़ाम, चढ़ने उतरने का इंतज़ाम और पार्किंग की व्यवस्था, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है जिसको सरकार ने प्रायोरिटी बेसिस पे इससे लेना चाहिए और हमारी डिमांड्स को पूरी करना चाहिए। हम आने वाले 25 तारीख को RTO में बसेस जमा कर अपना निषेध व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। भगवे वादळ। महाराष्ट्र राज्य चालक मालक विद्यार्थी संगठना ने अपनी मांगे पूरी न होने पर दिया आंदोलन करने का इशारा। सरकार को दी चेतावनी। Thank you.
आंदोलन आपण निर्माण केलेलं आहे. गेल्या मार्च महिन्यापासून वारंवार शासनाला आम्ही निवेदन दिले. आज आम्ही सर्व स्कूल वाहन धारकावर आम्हाला उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि आम्ही वारंवार निवेदन दिल्यावरही शासन जागृत झालेलं नाही आहे. त्यामुळं आज रोजी 22/6/2020 सोमवारला ताटवाटी आंदोलन आम्ही जाहीर करून शासनाला जागा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज आमच्या जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर पुढल्या महिन्यात पहिल्या आठवड्यात आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय स्कूल बस भरो आंदोलन करणार आहे. आणि आमच्या विशिष्ट मागण्या अशा आहे का आम्हाला चालक मालकांना मार्च महिन्यापासून 10,000 रुपये अनुदान देण्यात यावं शासनाने. दुसरी मागणी आमची अशी आहे का एसटी महामंडळमधून 50 किलोमीटर चालण्याची मुभा व राज्यभरात टुरिस्ट परवाना त्याच आमचे जे डॉक्युमेंट आहेत त्यावरच आम्हाला चालण्यात परवानगी देण्यात यावी. एवढ्या आमच्या मागण्या आहेत. जय शिवराय.